Assalamualaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll be talking about information communication technology. जैसे कि इसके नाम से ही विजिबल होता है, इसमें दो किस्म की टेक्नोलॉजीज को आपस में अमेलगमेट किया जाता है. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहां पर हम डील करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, और जहां पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहां पर हम उस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली आईसीटी में ये होता है कि दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को आपस में अमेलगमेट किया जाता है ताकि चीजों को क्रिएट किया जा सके, उनको इजीली असेस किया जा सके और इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा इजीली प्रोसेस किया जा सके. आईसीटी जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो हमें प्रोवाइड करता है चीजों को कोलैबोरेट करने में. मैसेजिंग को इजी किया, कैलेंडरिंग को, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इजी किया इस आईसीटी की टेक्नोलॉजी ने. जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिवाइसेस की आपस में इंटरेक्शंस की, सिस्टम के और लोगों की आपस में इंटरेक्शंस की. तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है इन बिटवीन सिस्टम्स एंड पीपल. तब हम देखते हैं कि आईसीटी का क्या रोल है हमारी लाइफ्स में. सबसे पहले हम हमारी सोसाइटी के बारे में बात करेंगे. सोसाइटी में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है कम्युनिकेशन, बातचीत की जाना. तो आप अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से, ईमेल से और इंटरनेट से जो आप काम कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बेसिकली आईसीटी टेक्नोलॉजी की वजह से है. आईसीटी लोगों को इनेबल करता है कि वो कम्युनिकेट कर सकें बहुत इफेक्टिवली और आसानी से. ये हमारी जिंदगी में से कुछ डिस्टेंस बैरियर्स को खत्म करता है. कुछ बेहतरीन टूल्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि ईमेल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है. इसके एडवांटेजेस हैं हमारी अब की जो नस्ल है उनको. जो पुराने लोग थे, पुराने जमाने के लोग थे, उनको डिसएडवांटेज है इसमें, क्योंकि उनको प्रॉपरली इसको यूज नहीं करना आता. तो बेसिकली आईसीटी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है एंड वी ऑल नो दैट. नेक्स्ट इज आईसीटी इन एजुकेशन. एजुकेशन के अंदर आईसीटी के आ जाने से बहुत सारे फायदे आते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई है और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, इसलिए आईसीटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इतनी अच्छी तरह से या इतना एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि जो है इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है इंस्टीट्यूट्स को. इसके अलावा जो आईसीटी है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो उनको प्रोवाइड करती है ऐसे स्किल्स जो कि अगर आप मैनुअली सीखें तो इतनी जल्दी और इतनी बेहतर तरीके से नहीं सीख सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि अगर ये आईसीटी एजुकेशन में एक्सटेंसिवली इंप्लीमेंट कर दी जाए तो उसके क्या हमारे पास एडवांटेजेस आएंगे. सबसे पहली बात होती है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. किसी भी स्टूडेंट को अगर एक्सेल करना है अपने करियर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी नेटवर्किंग. आप किस किस्म के एनवायरमेंट में हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी ग्रोथ फैक्टर के अंदर. तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आईसीटी की वजह से बहुत बेहतर हो जाती है कि आप किसी भी जगह पर बैठे हों, आप पूरी दुनिया में नेटवर्किंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजीज. डिस्टेंस लर्निंग, फिर वही बात होती है कि डिस्टेंस डज नॉट मैटर आजकल के दौर में, क्योंकि आप किसी भी जगह पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से लिंक कर सकते हैं. सप्लीमेंट ट्रेडिशनल लर्निंग. जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी, जिसकी वजह से लोगों ने जो ट्रेडिशनल लर्निंग की उसको हेल्प मिली. जब आपके पास नॉलेज हो और आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो तो उससे आपको डबल फायदा होता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज एसेस टू रिसोर्सेज. वही सेम बात कि आप अब अपने रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं और दूसरों के रिसोर्सेज को इजीली यूज भी कर सकते हैं. आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप जो हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम से बाहर निकल के एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में आते हैं. आप अपने लैपटॉप से, अपने फोन के जरिए क्लासेस ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. आईसीटी, ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना और अदर रीजंस, वो सारी आईसीटी की बदौलत ही है. नेक्स्ट थिंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी. वही बात हमारे पास आती है सबसे पहले कि हाई कॉस्ट है, जिसकी वजह से जो है इसको कम इम्प्लीमेंट किया जाता है जितना इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए उस लिहाज से. नेक्स्ट इज टीचर ट्रेनिंग. बहुत सारे लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारी दुनिया में ऐसे हैं जो कि
ट्रेडिशनल एजुकेशन रखते हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग करना एक इम्पॉर्टेंट और मुश्किल बात है ताकि वो आईसीटी टेक्नोलॉजीज को बेहतर तौर पर यूज कर सकें। नेक्स्ट इज अनसर्टेन सक्सेस रिजल्ट। कुछ जो है स्टडी की गई, कुछ जो है रिसर्च की गई और ये बात सामने आई कि कुछ स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने बेहतर नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो आईसीटी टेक्नोलॉजीज को सही पर्पज में यूज करने के बजाय नेगेटिवली यूज कर रहे होते हैं। तो ये वही बात है कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है और आप उसको किस तरह से यूज करेंगे ये मोस्टली डिपेंड आपके ऊपर कर रहा होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट आईसीटी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।